फेसबुक लाइव से काफी दो साल पूरे होने पर विरोध एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल के साथ अन्य नेता है, वो भी हम भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी गहलोत मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी बंदे राजस्थान की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसको विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा आज बाड़मेर जिले के अंदर जो है इस राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार को 2 साल हुए हैं और इस सरकार ने जो 2018 के अंदर जो वादा किया था किसानों का हम कर्जा माफ़ कर देंगे, युवाओं को हम रोज़गार देंगे और रोज़गार नहीं देंगे तो उनको 3500 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे और बहुत सारे जो वादे किए इस 2 साल के अंदर इस सरकार ने जो है एक भी वादा पूरा नहीं किया है और केवल न केवल राजस्थान के मुखिया अपनी जो है सरकार बसाने में ये 2 साल राजस्थान की जनता के खराब कर दी है। इसको लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा जो हमारे 7 मोर्चा अलग अलग जो मोर्चों की तरफ से जो है 2 साल इनके जो इस राजस्थान सरकार के अंदर जो कष्ट में जो जनता को कष्ट दिया है उसको लेकर और इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जनता को दिखाए और वादा खिलाफी को लेकर आज धरना और प्रदर्शन था। हम जो है राज्यपाल के नाम से जो हम ज्ञापन यहाँ के जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को हमने जो है ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और इस सरकार ने जो है अपनी खाल बसाने के लिए और अपनी सरकार बसाने का 2 वर्ष के अंदर केवल काम किया है और कुछ भी काम नहीं। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की आपने राज्यपाल से? हमने ये मांग की है कि किसानों का जो है बिल 833 रुपये जो है पहले वसुंधरा जी की सरकार के अंदर जो सब्सिडी दी जाती थी उसको जो है इन्होंने जो है हटा दी है, उसको लेकर हमने जो मांग की है और 1360 रुपये जो है किसानों को जो है पहले बीज 13,600 रुपये जो है
किसानों के बीज के जो दिए जाते थे वो भी ये कांग्रेस सरकार आने के बाद में उन्होंने आज किसानों को नहीं मिल रहा है। और पूरे राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल है। आम आदमी, आम जो है किसान और युवा जितने भी जो है, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान कानून व्यवस्था के मामले में जो है एकदम फेल्योर है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज राजस्थान का जो है इस हमारी जो महिला उत्पीड़न के अंदर, विशेष करके हमारी जो बालिकाएं हैं उनके ऊपर जो अत्याचार बलात्कार जो केस राजस्थान के अंदर हुए हैं, वो राजस्थान जो है अग्रणी पंक्ति में ऐसे मामलों के अंदर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर है। और हर तरह से जो है राजस्थान पिछड़ता जा रहा है। इस अशोक गहलोत के हाथों के अंदर राजस्थान सुरक्षित नहीं है। और ये केवल अपने नेताओं को खुश करना, अपने आकाओं को खुश करना, इसके अलावा इस सरकार ने 2 वर्षों के अंदर एक भी ऐसा नहीं काम किया जो है गिनाने लायक हो। और ये सरकार जो फेलियर है। और पंचायती राज चुनाव के अंदर आपने देख लिया है, बाड़मेर जिले के अंदर जो है पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है पक्ष में, और हमारा जो वोट परसेंटेज जो है इस सरकार को नकार दिया राजस्थान के अंदर पंचायती राज के अंदर। और ये सरकार